इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, लेकिन इन लॉज की जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। पहला लॉ है कि बहुत बार हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोक के रखने के लिए हमारे गाड़ी में से चाबी निकाल लेते हैं, पर मोटर व्हीकल एक्ट 1932 इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं देता है। ये लीगली बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपके गाड़ी में से चाबी नहीं निकाल सकता है। और अगर किसी भी रीजन से कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर फाइन लगा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास चालान बुक या ई चालान मौजूद होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट लॉ है कि अगर आप सामान खरीदने गए और वहां आपको बोला जाए कि कैरी बैग के लिए चार्जेस लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि उस कैरी बैग में उस कंपनी का या उस ब्रांड का नाम लिखा हुआ है या नहीं। अगर उस कैरी बैग में वो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वो कंपनी या वो ब्रांड अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो फिर आपसे चार्ज नहीं ले सकते हैं। पर अगर वो प्लेन कैरी बैग है, यानी उसमें कोई भी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो वो आपसे चार्ज ले सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ है कि अगर कोई आपकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता है, तो फिर आप आईपीसी के सेक्शन 425 एंड 426 के तहत एक कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और इसके लिए उस पर्सन को 3 मंथ्स के लिए जेल भी हो सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट लॉ है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां आपको खाने में कोई अनवांटेड सब्सटेंस मिलता है जिसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, और अगर कंज्यूम कर लेते तो आपको नुकसान पहुंच सकता था, तो आप FSSAI एक्ट के सेक्शन 54 के तहत एक कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो इस रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में। FSSAI की ये पोर्टल है जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये थे 4 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडियन लॉज जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था।